तो अगर ये वाला बॉन्ड अगर वीक है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो था हमारा एलिवेट क्यों हुआ इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, सी क्योंकि अभी कम एनर्जी बॉइलिंग है। पॉइंट का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। फ्रीजिंग पॉइंट में दो मॉलिक्यूल्स को नजदीक में लाना है, वेयर एज इन बॉइलिंग पॉइंट दो बॉइलिंग होने के लिए दो मॉलिक्यूल्स को दूर जाना है। सो दी दोनों का वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डिफरेंट। भले तुम्हारा सोल्यूशन अलग है बट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट बिहाइंड इट। क्लियर जय? यस मिस। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग। सो नाउ यहाँ पे यू कैन सी दिस ग्राफ। नाउ इन दिस ग्राफ यू हैव ए सी ग्राफ ए सी That is for solid solvent, pure solid solvent. BD, that is for pure liquid solvent. Okay, means ये तुम्हारा ice के लिए है and this is for water. And EF is for solution. मैम वो प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगी एक बार। यस मैम, थैंक यू। नाउ वी हैव टू रीड दिस ग्राफ फ्रॉम हियर। इधर से अपने को नीचे की तरफ रीड करना है बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो नाउ हियर फ्रीजिंग विल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। करेक्ट ना ऑल ऑफ यू? यस, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो नाउ टेम्परेचर इज गेटिंग डिक्रीज, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज एंड देन एट पॉइंट बी H2O liquid gets convert to H2O solid. Okay? Freeze हो गया यहाँ पे। तो ये पॉइंट पे जो तुम्हें मिल रहा है टेम्परेचर दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर your solvent. Then यहाँ पे solid में convert होना start हो गया and this is the solid, means यहाँ पे solid ही है, वो ice है and जैसे जैसे हम लोग और temperature decrease करेंगे vapor pressure उसका क्या होगा, और decrease होते जाएगा। Similarly for solution we are decreasing the temperature, vapor pressure is getting decreased. Okay, ये point पे means जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पॉइंट पे अभी तक पूरा तुम्हारा मींस पूरा भी नहीं थोड़ा भी नहीं थोड़ा भी सॉल्यूशन फ्रीज नहीं हुआ है। बट एट दिस पॉइंट एट पॉइंट ई इट गेट्स कन्वर्ट टू सॉलिड। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा टीएफ। ओके ऑल ऑफ मैम, कम फ्रीजिंग पॉइंट इन द सेंस वो ज्यादा जल्दी फ्रीज होगा क्या? क्या क्या? हाँ, मींस अपने को ज्यादा फ्रीज करना पड़ता है बिलो जीरो डिग्री।
सॉल्यूशन को ज्यादा फ्रीज करना पड़ेगा कंपेयर टू द सॉल्वेंट, तो वो आगे नहीं होना चाहिए. मींस क्या आगे नहीं होना चाहिए? मींस टेम्परेचर इज मोर लोअर. मींस अभी सपोज तुम्हारा वाटर, वाटर जो है वाटर, ये 0 degree Celsius पे हुआ. वाटर इज गेटिंग फ्रीज एट 0 degree Celsius, तो उसका जो माइनस में शुगर में, हाँ, वो -2 degree Celsius, -3, -4 ऐसा होगा. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नाउ ऑल ऑफ यू विल टेक योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38. ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 पेज नंबर पे जो ग्राफ का कंटिन्यूएशन में है, देखो वो लास्ट के जो दो पैराग्राफ थे वो तुम लोग अभी रीड करोगे. Why freezing point of solvent is lowered by dissolving non-volatile solute in it. मैं रुकती हूँ, टेक्सबुक लो, ओपन करो, पेज नंबर 38 पेज ओपन करो और मुझे बताओ. Yes, all of you open here. Yes, ma'am. सबको मिला लास्ट के दो पैराग्राफ्स. Why freezing point of solvent is lowered by dissolving a non-volatile solute in it. Yes, all of you, have you got it? Yes, ma'am. Yes, so all of you just read it fast. And if you are not understanding any line, just tell me. Yes, all of you, it's done. Yes, ma'am. Yes. Clear, Anna? If you have any questions, do ask. Chalo. So, all of you, let's start with next. Depression, freezing point depression and concentration of solute. Delta TF is equal to, is directly proportional, Delta TF is directly proportional to molality. Okay,
So delta TF is equal to KFM. Delta TF is equal to KF into M. What is KF, all of you? It is a cryoscopic constant. Or depression constant. Cryoscopic constant or depression constant. ठीक है, अभी KF का unit निकालना रहेगा, तो it is what? Delta TF upon M. This is Kelvin and molality is mole per kg. तो इसका क्या आता है? kg Kelvin per mole. Okay, all of you, same unit. जो वहां पे था वही सेम यूनिट है यहाँ पे भी. क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट नेक्स्ट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी डब्ल्यू वन. अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन. एंड सपोज अगर ये ग्राम्स में है तो अपने को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना होता है. क्लियर? सो ऑल ऑफ यू कैन नोट डाउन दिस फास्ट. नेक्स्ट स्क्रीन. It's done, all of you? Yes, ma'am. You can see here. Next screen. Read karo question kya diya hai. 5.08 grams substance. Means this is W2. Ye kya hai? W2 है. W2 is 5.08 grams dissolved in 50 grams. Dissolved in 50 grams means ये क्या है? W1 है ना all of you. 50 grams of solvent के अंदर dissolved है. Lowers the freezing point by 1.2 Kelvin. So delta TF कितना आएगा? 1.2 Kelvin आएगा. Okay?
कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मींस क्या कैलकुलेट करना है, एम टू कैलकुलेट करना है. मोलार डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर वॉटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल. सो नाउ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलैलिटी, दैट इज डब्ल्यू टू एम टू इन टू डब्ल्यू वन. So we'll substitute all the data. This is 1.2, 1.86 into 5.08. और एक चीज यानी सब लोग KF for water and KB for water by heart कर लेना, क्योंकि कभी कभी नहीं देते हैं उन लोग, because it is they consider कि तुम लोग को आता मालूम है. So always all of you, you have to memorize the value of KF and KB. KB and KF का value जो है वो solvent पे depend करता है. If solvent changes, then KB and KF का value भी क्या होता है, change होता है. M2 calculate करना है, W1 50 grams है, इसीलिए मुझे 1000 से multiply करना पड़ेगा. I'll rearrange this. So M2 is equal to 1.86 into 5.08 into 1000. Okay, all of you. Calculations karoge sab log? Yes, ma'am. Yes, miss. Do it fast and tell me what will be the answer. Yes, Tanush, correct. Yes, others, do it fast. Yes, Raghav and Yashashvi, answer is correct. So, Jai, Heer, Maitri and Preeti, please answer.
Yes, all of you, answer is 157.48 gram per mole. Okay. You can note down the answer, all of you. Yes, next question. Next question. Yes, all of you, do it fast. तुम लोग खुद ही कर रहे हो. लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगे उसका एसेसमेंट वो क्वेश्चन. यस मैम, थैंक यू. यस ऑल ऑफ यू डू दिस फास्ट. यू हैव 4 मिनट्स टाइम. डू इट फास्ट. Yes, if anybody is not getting कि क्या W2 क्या है, M2 क्या है, W1 क्या है, please ask. अगर तुम लोगों को यही नहीं समझ में आएगा तो solution chapter के numerical solve करने नहीं आएंगे. So do ask doubts. Yes, anybody is getting answer. Tanu, strong hai answer. Jara check karo, subtraction check karo wapas se. जय ने आई थिंक 160.48 आंसर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए दिया था. यस मिस. सो यू अंडरस्टूड योर मिस्टेक ना.
मिस लेकिन 157 था एक्चुअल आंसर और मुझे 160 आ रहा है कि है ना तो राइट नहीं आएगा जय तुम्हें 3 में से 2 एंड हाफ मार्क्स मिलेगा हाफ मार्क्स तुम्हारा रिड्यूस होगा क्योंकि 3 नंबर का डिफरेंस है No, here. This is wrong.